नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। समस्तीपुर लोकसभा के एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार शांभवी चौधरी पहुंची समस्तीपुर की धरती पर। मुसरी घरारी में सैकड़ों मोटरसाइकिल और कार से हजारों एनडीए कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार का स्वागत किया। शांभवी के साथ इस यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी साथ चल रहे थे। हरपुर एलौत स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर सैकड़ों महिलाओं ने उम्मीदवार का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उम्मीदवार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा एवं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद थानेश्वर स्थान पहुंचकर पूजा अर्चन किया। उसके बाद मणिपुर भगवती स्थान में माता के दर्शन किए। इसके बाद उम्मीदवार की यात्रा कुशनेश्वर स्थान के लिए निकली। कार्यकर्ताओं के द्वारा रोड शो में शांभवी चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, अब की बार एनडीए 400 पार का नारा बुलंद हो रहा था। यात्रा में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर तरुण चौधरी, महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघ देवी, जदयू अध्यक्ष दुर्गेश राय, भाजपा लोकसभा संयोजक प्रभात कुमार ठाकुर, लोजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी, हम जिलाध्यक्ष केदार चौधरी, जदयू नेता अनिल सिंह, लोजपा नेता सुंदेश्वर राम, राजकिशोरी हजारी, भाजपा जिला महामंत्री कौशल कुमार पांडे, नगर अध्यक्ष सुजय पासवान, जिला कोषाध्यक्ष अमित सिंह, जिला मंत्री वीरेंद्र यादव, समस्तीपुर उप प्रमुख राजेश सिंह, जिला प्रवक्ता मुकेश सिंह, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गीतांजलि देवी, देवशंकर ठाकुर, शकुंतला वर्मा, अनस रिजवान इत्यादि उपस्थित रहे। आराम से यार, ऊपर और मला है, आराम से ज्यादा।
मोदी जी का उम्मीदवार बनाने का हम इनको काम सामाजिक क्षेत्र में इनका रुचि पहले से सामाजिक क्षेत्र में इनका रुचि पहले से सामाजिक क्षेत्र के नाते ये प्रयास होगा और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके देश बचाएंगे। ऐसा है कि पहली बार आज आना था और हम लोग हिंदू रीति रिवाज में विश्वास करते हैं, इसीलिए आज का दिन शुभ था इसके आने का। आज से इसका कैंपेन शुरू हो जाएगा, लोगों से मिलना, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करना, इस समस्तीपुर में क्या समस्याएं इसको समझना, और 19 तारीख को 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद चुनाव का पूरी तरह से शांतनाद होगा। हम उम्मीद करते हैं पिता के होने के नाते कि देश में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है एनडीए की, और हम समझते हैं कि जितने लोगों ने अभी तक नामांकन किया है उसमें सबसे कम उम्र है इसकी, और महादेव चाहेंगे तो सबसे कम उम्र की समस्तीपुर को गौरव मिलेगा सांसद बनाने का। हिंदुस्तान के इतिहास में वो समस्तीपुर को ये गौरव मिलेगा, इसने सबसे कम उम्र की सांसद को चुनने का काम किया है। नौजवानों का युग है और इस नौजवानों को युग में सबसे कम उम्र की सांसद लाभ टीवी चैनल। यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।